हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। इंडिया से पंगा लेना बड़ी खबर है। हमने कल खबर नोटिस की थी कि यूएस में केस हुआ है अजीत डोवाल एनएसए, जो कि भारत के बहुत बड़ा, मतलब भारत का ब्रेन उनको बोला जाता है और बहुत बड़ा, तो उनके ऊपर अमेरिका में केस हो गया। भारत बढ़ गया तो वीडियो का जो टाइटल है और करो मोदी डोवाल पर केस, 24 घंटों के अंदर भारत ने दिए यूएसए को तगड़ा जवाब। तो भाई साहब 24 घंटे नहीं गुजरे थे, भारत ने लताड़ लगा दिए, फुल हैवी जवाब मिल गया। क्या हुआ भारत से, क्या गया, सारा कुछ जानते हैं। इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका कब क्या कर जाए ये किसी को नहीं पता। दरअसल कल ये खबर सामने आई थी कि अमेरिका की न्यूयॉर्क स्थित यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भारत सरकार और कुछ बड़े अधिकारियों के नाम समन जारी किया है। इन अधिकारियों में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल, पूर्व रॉ प्रमुख सामंत गोयल, रॉ एजेंट विक्रम यादव और व्यापारी निखिल गुप्ता का नाम शामिल है। पन्नू ने आरोप लगाया है कि भारत सरकार ने उनकी हत्या की साजिश रची है। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिकी कोर्ट ने सभी आरोपियों को 21 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा है। वहीं अब काफी इंटरेस्टिंग खबर इसको लेकर आ रही है कि 21 दिनों का समय कोर्ट ने दिया था, लेकिन भारत ने 24 घंटों के अंदर ही अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया है। भारत की तरफ से इस मैटर पर क्या बोला गया है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि आखिर ये पूरा मैटर है क्या। दरअसल पिछले साल नवंबर में यूके के एक अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया था कि अमेरिकी एजेंसियों ने पन्नू के खिलाफ चल रही हत्या की साजिश को नाकाम कर दिया था। पन्नू जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का प्रमुख है और उनके पास अमेरिका और कनाडा की नागरिकता है, वहीं उसको मरवाने के पीछे भारत की साजिश करार दिया गया। वहीं जिस तरह से कनाडा में निज्जर की हत्या हुई और धीरे धीरे कई भारत विरोधी लोगों और खालिस्तानियों की मौतों की खबर सामने आने लगी, इसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर भारत सरकार के ऊपर इसका ब्लेम डाल दिया और कहा कि ये सभी हत्याएं भारत सरकार के इशारों पर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ कर रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इन सभी दावों को उस समय खारिज कर दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर आपके पास सबूत है तो सबूत दो, नहीं तो इस तरह के बेबुनियाद आरोप ना लगाओ। और इस पूरे खालिस्तानी मुद्दे को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते काफी ज्यादा खराब हो गए। लेकिन इसके बाद अमेरिका एक कदम और आगे जाते हुए भारत के ऊपर न सिर्फ आरोप लगाया बल्कि निखिल गुप्ता नाम के एक शख्स को अपनी हिरासत में लेकर भारत के ऊपर ये आरोप लगाया कि भारत सरकार इसे फंड कर रही थी और ये भारत के इशारे पर अमेरिका के अंदर पन्नू की हत्या की साजिश रच रहा है और हमने इस पूरी साजिश को नाकाम कर दिया है। और ये था पूरा मैटर। अब इसी को लेकर गुरपवन सिंह पन्नू ने अमेरिकी अदालत में भारतीय अधिकारियों के खिलाफ केस कर दिया और सभी को हिरासत में लेने और कंपनसेशन की मांग की है। खबर तो ये भी है कि भारत के एनएसए अजीत डोवाल के साथ भारतीय प्रधानमंत्री के ऊपर भी उसने आरोप लगाया और समन अमेरिकी अदालत की तरफ से भेजा गया है, उसमें प्रधानमंत्री का नाम भी है। यानी कि अमेरिकी अदालत का कहना है कि जब आप अमेरिका में आओगे 21 से 23 सितंबर के बीच में, तब आप लोग यहाँ की कोर्ट के चक्कर भी लगा के जाना, जो आपके ऊपर आरोप है उसकी हम जांच करेंगे। हालांकि कोर्ट ने इसके जवाब के लिए 21 दिनों का समय दिया था, लेकिन भारत की तरफ से अब 24 घंटों के अंदर ही इस पर जवाब आ गया है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इसे बेबुनियाद और अनावश्यक करार दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है और ये भारत की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं बदलते। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से कहा गया है कि पन्नू एक आतंकवादी है और भारत का स्टैंड इससे बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। मिस्त्री ने आगे कहा कि पन्नू जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है वह एक अवैध संगठन है और इसे भारत की अखंडता और संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिशों के कारण 1967 के गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका के आरोपों के बाद भारत ने इस मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। इस समिति में भारत और अमेरिका दोनों की एजेंसियां इस मामले की जांच में लगी हुई है। मिस्त्री ने कहा कि हमने पहले भी इन आरोपों को गंभीरता से लिया है और इस मामले की पूरी जाँच की जा रही है। बहरहाल दोस्तों, अमेरिका की तरफ से लगाए गए इन आरोप और भारत के जवाब पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक बयान दिया जिसने भारत में एक नई बहस छेड़ दी है। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और भारत में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन जम्मू कश्मीर में धारा 370 को बहाल करने के मुद्दे पर एक ही पेज पर है। आसिफ ने दावा किया
कि जम्मू कश्मीर में चल रहे विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेशनल कांग्रेस गठबंधन की जीत की उच्च संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये गठबंधन जम्मू कश्मीर में सत्ता में आ सकता है और धारा 370 को बहाल करने के लिए कदम उठा सकता है। ध्यान रहे, ये चुनाव 2019 में धारा 370 हटने के बाद और एक दशक के लंबे समय के बाद हो रहे हैं। उस समय मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। अब ख्वाजा आसिफ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने धारा 370 को बहाल करने को अपने चुनावी एजेंडे का प्रमुख मुद्दा बनाया हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने धारा 370 पर अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है, लेकिन उनके घोषणा पत्र में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात कही गई है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का कहना है कि पाकिस्तान और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन दोनों धारा 370 को बहाल करने के पक्ष में है। आसिफ ने कहा यह उनका चुनावी मुद्दा है और इस मामले पर पाकिस्तान और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन एक ही पेज पर है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इस चुनाव में चाहे उमर अब्दुल्ला हो या फिर फारूक अब्दुल्ला, यहां तक कि राहुल गांधी की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम अगर सत्ता में आए तो 370 को हम बहाल कर देंगे। यही कारण है कि इस समय पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मैटर के ऊपर आपकी क्या राय है और क्या आपको लगता है? छोड़ो मेन टॉपिक की तरफ, ये तो पॉलिटिशियंस लगे रहते हैं भाई, इनको मारो भाई। मेन आते हैं, भारत ने 24 घंटे भी नहीं लगाया और बैंड बजा दी। उन्होंने कहा कि भाई मरे ये जो तुम लोग कह रहे हो ये सरासर सबको झूठ है, गलत है। अच्छा उसकी अदालत ने कहा कि जब इधर चक्कर लगाएंगे तो अदालत भी चक्कर लगा देगी। अदालत की बात सुनो, मतलब ऐसे कौन बोलता है? हलवा समझा हुआ है, हलवा एनएसए और पीएम को तुम लोगों ने हलवा समझा हुआ है भाई। तुम इस हल्का ले रहे हो, ये समझ रहे हैं कि मतलब ये कोई आम से नागरिक है भाई, वो दुनिया को हिलाने वाले भारत, वो एक टाइम पे दुनिया हिलाते और वो उनको बुला रहे हो भाई। शायद कोर्ट को पता नहीं था, कोर्ट ने सरकार मरकार से पूछा नहीं है, गवर्नमेंट मुझे भी यही लगता है, मुझे भी यही लगता है। अब उसके ऊपर प्रॉपर भारत ने जांच करवाई है, जांच कमेटी बिठाई है और उधर से अमेरिका ने भी बिठाई है कि इस पे प्रॉपर जांच हो। बिल्कुल, किस जज ने या किसने ये बात की है कि मतलब इस तरह हो भाई, क्योंकि उसके ऊपर पता लगेगा, तब सारा पता लगेगा। और उधर से भारत ने भी बोला हम इसको कुछ समझते ही नहीं है पन्नू को, तो तुम ये इसकी वो कहां से मान रहे हो? और उन्होंने कहा कि ये एक भारत ने बोला ये एक आतंकी है, ये आतंकी है, हम इसको पकड़ने के चक्कर में उसके उन्होंने कहा कि हम इसको नहीं मानते और हम इससे पहले भी जो है ना इसको सीरियस ले रहे थे, अब भी ले रहे हैं और इसको यानी एक किस्म का दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी और वो कांग्रेस का और मुझे ख्वाजा आसिफ के बयान पे हैरानी हुई है। और उन्होंने कहा धारा 370 फिर बहाल करेंगे, यार नहीं हो सकती, नामुमकिन सी बात है ना, ये तो नामुमकिन सी बात है। पीएम के हाथ में होता है ना, आई थिंक यार, तो ये आप रूल है, मुझे ये मतलब इसका थोड़ा एक्सप्लेन करना। तो गाइस आपका क्या कहना है सारे मामले बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।